देखिए, आज हम बात करने वाले हैं ये मेजर टेप और मेजर टेप का उपयोग कैसे होता है। इस वीडियो में आपको सब कुछ बताएंगे। ये देखिए, 3 मीटर का फ्लेक्सो कंपनी का एक मेजर टेप है। और अब यहाँ से हम देख लेते हैं। पहले देखिए ये सब, इसका जो मेजर टेप है, ये वाला पट्टी, ये 16 mm का थिकनेस है। यहाँ से यहाँ तक का 16 mm का थिकनेस है। और पहले हम ऊपर वाले का बात कर लेते हैं, ये वाले का। ये सब इंच है टोटल यहाँ पे। यहाँ से यहाँ तक का मान के चलिए 1 इंच होता है, मान लिए ये 5 से 6 के बीच में जो है 1 इंच होता है। अभी अपने अगर मान के चलिए 1 इंच में डोरा के बात करते हैं, तो 1 इंच बराबर 8 सूत। तो इसमें 8 सूत इसमें काउंट कर लीजिए। जैसे यहाँ से देखिए, यहाँ से काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पे ख़त्म हो जाता है। अगर आधा डोरा काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये भी है पॉइंट। दूसरा एक चीज़ और है इसमें, अगर 1 इंच में mm का बात करें, 1 इंच में mm, 1 इंच बराबर 25 mm, 25 mm, 1 इंच में 25 mm होता है। दूसरा नीचे का, अब ये देखिए, यहाँ पे 11 के बाद 1 लिखा हुआ है। अब इसका मतलब क्या है, 11 के बाद ये हो गया कि यहाँ पे 12 इंच होता है। तो 12 इंच बराबर 1 फीट होता है, 12 इंच बराबर 1 फीट होता है। फिर यहाँ पे चले जाइए तो देख लीजिए, यहाँ पे 2 हो गया, 24 की जगह पे 2 हो गया। फिर यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक रहता है टिक छोटा सा लिखा हुआ, देखिए। अभी इसका मतलब क्या है, 1 माइनस 1 इसका बराबर होता है 1 फीट 1 इंच। ये हो गया। और अगर नीचे वाले का बात करें तो ये है सेंटीमीटर, नीचे वाला जो है ये सब सेंटीमीटर है। और यहाँ से और यहाँ के बीच में कोई भी ले लीजिए, 4 से 5 के या 5 से 6 के बीच में अगर मान के चलिए, तो इसमें इसमें 10 mm होता है। 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अब ये 100 सेंटीमीटर आता है, जहाँ पे 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। ये देखिए 100 हो गया, ये 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। अब यहाँ पे देखिए, अब ऐसे आगे चले जाइए। और दूसरा एक चीज़ और है, अगर यहाँ पे मेजर टेप की बात करें, अभी हमको इंच है, तो अगर हमको 3 इंच बाई 3.25 इंच लिखना है तो हम कैसे काउंट करेंगे। तो 3 इंच ये 1.4, अगर हमको 3 इंच लिखना है, 3.25 इंच लिखना है मान के चलिए, अगर कहीं पे लिख दिया 3.25, तो 3.25 इंच लिखना है तो 1/4 ये 3 हो गया। अगर 3.5 लिखना है 1/2। उसके बाद अगर 4.25 लिखना है तो यहाँ 3/4, 3 से ही 3/4 ये हो गया 1/4, ये हो गया आधा, और दूसरा ये हो गया 3, तीसरा भाग। और अगर
3 इंची एक डोरा हमको लिखना है, तो 3 सही 1/8। दूसरा फिर नीचे देखिए, दूसरा लिखना है अगर 3 इंची 3 डोरा तो 3/8, 3 इंची 5 डोरा तो 3 सही 5/8। ये डोरा वाला, ये डोरा में ऐसे काउंट किया जाता है। और दूसरा है अगर मान लीजिए 3 7 लिखना है तो ये हो गया 4 में डोरा काम। तो मेजर टेप का कुछ इस प्रकार से है। अगर मान के चलिए वो डोरा नहीं समझ में आता, 1 इंच = 8 डोरा, अब ये एक चीज़ और समझ लीजिए। अगर ये 3 मीटर का मेजर टेप है, मेजर टेप में 3 मीटर के मेजर टेप में टोटल 120 इंच, 5 मीटर के मेजर टेप में टोटल 198 इंच, और दूसरा अगर मान लीजिए कोई इंजीनियर प्लान देता है यहाँ पे, तो वो इंच इंच जो लिखते हैं, इंच का एक मार्किंग होता है, अगर सॉरी इंच का एक ओ सॉरी फिट का एक मार्किंग होता है, ऐसे अगर इंच रहेगा तो वहाँ पे 2 मार्किंग रहता है। ये इंच का और फिट में ये अंतर है। तो दोस्त ये थी एक छोटी सी जानकारी मेजर टेप के बारे में। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक प्यारा सा कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।